जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान लेकर आए हैं आपके लिए। यहाँ पर भाग अपना ऐप 6 है, 5 पार्ट यहाँ पर आपके लिए अपलोड हो चुके हैं। तो भाई भी आप देखना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा सामान्य ज्ञान है। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें, और जो भी एमपी जेल प्रहरी, एमपी पुलिस और बहुत सारे एग्जाम में जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जरूर आपसे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप सामान्य ज्ञान का जो वीडियो है भाई आप रोज देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए जाते हैं। और वीडियो को लाइक कर लें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंची। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो आज ही आप ज्वाइन मेंबर बन जाएं, क्योंकि एक ग्रुप है ज्वाइन मेंबरों का, उसमें आपके लिए ऐड कर दिया जाएगा, और वहां पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है ज्वाइन मेंबर के लिए। तो ज्वाइन मेंबर आप अवश्य बन जाएं, 3 प्लान है आपके लिए, बहुत ही जो है कम पैसे में है यह प्लान। तो आप जो भी प्लान खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, और चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, और चैनल के ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का अपना, क्या है देखिए, भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो 4 विकल्प है आपके सामने, और फर्स्ट क्वेश्चन है आज का अपना। तो इसका आंसर क्या है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर। तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 2, यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून इसका सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अधीन एक संस्था है। इसका प्रमुख अधिदेश देश में वन सर्वेक्षण करना एवं वन संसाधनों का आकलन करना। अगला क्वेश्चन है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो 4 विकल्प है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 है। सभी लोग जल्दी जल्दी से यहाँ पर आंसर बताते जाएंगे, क्या है इसका सही आंसर? तो यहाँ पर सही आंसर है इसका विकल्प नंबर क्या है डी, विकल्प नंबर डी यहाँ पर जिन्होंने भी बताया है उनका सही आंसर है, जिन्होंने भी डी बताया उनका सही आंसर। देखिए, इस प्रकार के वन प्रायद्वीपीय भारत के मध्य भागों में प्रमुखता पाए जाते हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिम में हरियाणा, पंजाब से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में भी यह वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, आंशिक रूप से यह वन कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती, चंबल नदियों के आसपास भी पाए जाते हैं। दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों पर 1800 मीटर तक, सतपुड़ा की पहाड़ियों पर 1000 मीटर तथा पूर्वी ढाल पर 1500 मीटर तक यह वन पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्य प्रजातियां कौन कौन सी हैं? तो देखिए, यहाँ पर लारियल, खैर, साल, बांस, मैग्नीलिस, चेस्टनेट के बहुत वृक्ष बहुतायत से पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों के संयोजन हैं? तो कहाँ पर हैं यह बताना है, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण सौराष्ट्र। तो 4 विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 3 है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका, और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन और सदापर्णी जो वन है यह पर्णपाती वन का संयोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो कौन सी मिट्टी है? 4 विकल्प है, क्वेश्चन नंबर 4 है, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोल मिट्टी। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका काली मिट्टी, विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है काली मिट्टी। भारत की स्थानीय मिट्टी में से काली मिट्टी सबसे अलग दिखाई देती है, इसे रेगुर भी कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन बनता है, काली मिट्टी का एक अन्य नाम कौन सा है? तो रेगुर, और इसमें पोटास की बहुलता होती है, लेकिन प्राह इसे काली कपास मिट्टी कहती है, क्योंकि इसमें कपास की खेती ज्यादा होती है। काली जो मिट्टी है यह मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर असत्य बताना है, लैटेराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, यह एक क्षारीय मिट्टी है, इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है, इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। तो इस प्रकार 4 विकल्प है, और कौन सा कथन असत्य है? तो आपका यहाँ पर जो कथन है वह है कौन सा, बी, जो बी वाला कथन है यह कैसा असत्य है, यह क्षारीय मिट्टी है, यह कथन कैसा है असत्य। देखिए, लैटेराइट स्थानबद्ध मिट्टी है जो भारत में लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर में
जो विस्तृत है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो यहाँ पर आपसे पूछा भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। उत्तर पूर्व क्षेत्र या इंडो गांगे क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, केरल तथा तमिलनाडु। और क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर जो सही आंसर है भाई आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि कृष्णा और गोदावरी डेल्टा को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भारत का चावल का कटोरा। और अगला क्वेश्चन है, भारत में वृहत पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? दामोदर, गंगा, हुगली, ब्रह्मपुत्र। चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, तो जल्दी से आंसर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। भारत में वृहत पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? तो इसका यहाँ पर जो सही आंसर है वह हुगली, विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है हुगली। देखिए यह हुगली जो है आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? तो अग्रणी बताना है यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या MP मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका गुजरात, यानी कि विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? तो वह है गुजरात। और देखिए देश में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात रहा है, लेकिन 2017 की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र ने गुजरात को दूसरे नंबर पर धकेल दिया है और देश का सबसे बड़ा कपास उत्पादक बन गया है। दोनों राज्यों की तरफ से जारी हुए 2016-17 के तीसरे अग्रिम अनुदान अनुमान से यह जानकारी निकल कर सामने आई है कि महाराष्ट्र में इस साल कपास का उत्पादन 100 लाख गांठ से ज्यादा अनुमानित किया गया है। अगला क्वेश्चन कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है, तो कौन सा है यह बताना है, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है और इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का वह विकल्प नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। देखिए दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राज्यों में से कौन सा काजू का मुख्य उत्पादक है? तो काजू बताना है आपके लिए, काजू का मुख्य उत्पादक राज्य बताना है, गोवा है, महाराष्ट्र, केरल या कर्नाटक। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग जल्दी से आंसर बताएं। तो वह कौन सा राज्य है जो काजू का उत्पादक है? वह है महाराष्ट्र, विकल्प नंबर बी। हाँ बिल्कुल सही, जिन्होंने भी बी बताया है उनका सही आंसर है। देखिए प्रश्नकाल के समय महाराष्ट्र राज्य सबसे ज्यादा काजू का उत्पादन करने वाला राज्य था, जबकि अभी के आंकड़ों के अनुसार काजू उत्पादन प्रथम राज्य में आंध्र प्रदेश तथा दूसरे स्थान पर उड़ीसा कर्नाटक का है। अगला क्वेश्चन है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है यह बताना है, तो प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल या भूतापीय ऊर्जा। तो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है तो वह नहीं है आपका विकल्प नंबर डी, यानी कि भूतापीय ऊर्जा, विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। और यहाँ पर देखिए भूतापीय ऊर्जा जिसे थियोथर्मल पावर कहते हैं, यह ग्रीक धातु जियो से आया है जिसका अर्थ पृथ्वी और थर्मोस अर्थात ताप, वह ऊर्जा है जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है। यह भूतापीय ऊर्जा ग्रह के मूल गठन से, खनिज के रेडियोधर्मी क्षय से और सतह पर अवशोषित स्वर ऊर्जा से उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है यह बताना है, भारत का बताना है। तो चार विकल्प हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा। तो इसका सही आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि पांचवा जिन्होंने बताया विकल्प नंबर डी उनका सही आंसर है। देखिए भारत में पवन ऊर्जा का विकास 1990 के दशक में शुरू हुआ और पिछले कुछ वर्षों में इसमें काफी वृद्धि हुई। हालांकि डेनमार्क, अमेरिका की तुलना में अपेक्षाकृत
अब आगंतुक के रूप में भारत में पवन ऊर्जा की स्थापना क्षमता में पांचवें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीयमुख लोह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कहां पर है, कर्नाटक में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या आंध्र प्रदेश में? चार विकल्प है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, तो जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। हाँ तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर कर्नाटक, जिन्होंने भी कर्नाटक बताया है उनका सही आंसर है। देखिए, जिसे कई बार गुदु गुदुरेमुख भी कहा जाता है, कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिला में एक पर्वतमाला है। यह कस्बा मुख्यतः लोह अयस्क के खनन के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ एक सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कुदरीमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड स्थित है और एवं अपने नाम के अनुसार इसी कार्य में संलग्न है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऐसे कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? तो यहाँ पर आपको अभ्रक का बताना है, तो झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प हैं और क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 का यहाँ पर राइट आंसर है आंध्र प्रदेश, विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। अभ्रक का प्रमुख है अयस्क हिमाटाइट, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान में पाया जाता है। यूएनएफसी के अनुसार भारत में अभ्रक का कुल अनुमानित भंडार है कितना है? 59,890 टन, जिसमें 15 टन संरक्षित वर्ग में तथा शेष 59.875 टन संसाधन वर्ग में है और आंध्र प्रदेश में 67% संसाधन भंडार है। इसके बाद बिहार में 22% और राजस्थान में 7-8% और झारखंड में 3% है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 15 है आपका यहाँ पर, तो बताइए, इस्पात, पेट्रोलियम, मकबरा, जूट। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का वह विकल्प नंबर बी यानी कि पेट्रोलियम। हाँ बिल्कुल सही, जिन्होंने भी पेट्रोलियम बताया है यहाँ पर उनका सही आंसर है। बम्बई हाई लगभग 75 मीटर पानी में मुंबई, भारत के तट से 165 किलोमीटर दूर एक अपतटीय क्षेत्र है। तेल संचालन भारत के तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? तो वह कौन सी धातु है जो खनिज नहीं है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम या लिमोनाइट? तो क्वेश्चन नंबर 16 के यहाँ पर सही आंसर है आपका विकल्प नंबर सी यानी कि जिप्सम। जिप्सम आपका सही आंसर है, कौन सी धातु खनिज नहीं है? जिप्सम। जिप्सम एक खनिज है और रासायनिक, और देखिए रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट है, जिसमें जल के भी दो अणु रहते हैं। अमोनिया सल्फेट रासायनिक उर्वरक, सीमेंट, गंधक आदि के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले खनिज जिप्सम की प्राप्ति कैल्शियम सल्फेट के रूप में ऊसर भूमियों में होती है। अगला क्वेश्चन है, क्या है भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? तो भारत का कौन सा उद्योग है जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? लोहे इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, चीनी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 17 और इसका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी यानी कि वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग विकल्प नंबर बी। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन और बड़ा उद्योग है। इसमें भारत की सर्वाधिक जनसंख्या 5 करोड़ को रोजगार भी प्राप्त हुआ है और प्रायः भारत के सभी राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग संबंधित मिले स्थापित हैं, किंतु महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल आदि राज्यों में इनकी प्रमुखता है। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में हुआ है, जो भारत की सर्वाधिक कपास का भी उत्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? यह बताना है। चार विकल्प हैं आपके सामने, जल्दी से बता दें आप क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो को सभी लोग लाइक कर लें और जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो वह ज्वाइन मेंबर भी अवश्य बन जाएं, क्योंकि ज्वाइन मेंबर को बहुत सारे फायदे मिलते हैं। पीडीएफ आपके लिए, जो भी पीडीएफ रहती हैं, सभी विषय से संबंधित स्टडी मटेरियल आपके लिए ही उपलब्ध कराई जाती हैं। तो चार प्लान है, सॉरी तीन प्लान है, तो तीन प्लान में से आप जो भी प्लान खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं और चैनल को सपोर्ट करते हैं और चैनल के ज्वाइन मेंबर भी बन सकते हैं आप।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है, और 18 का सही आंसर विकल्प नंबर सी यानी कि वाराणसी। हाँ बिल्कुल सही, वाराणसी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी में स्थापित भारतीय रेल का डीजल रेल इंजन का निर्माण का कारखाना है। अगला क्वेश्चन है, देश के विभाजन के फलस्वरूप जूट का हास्य हुआ है क्योंकि, अब बताना है क्या है इसका सही आंसर। अनेक जूट मिले बांग्लादेश में चली गई, या भारत में पूंजी का अभाव था, अंग्रेजों की दोषपूर्ण नीति का प्रभाव पड़ा, या कुशल श्रम तथा जूट उत्पादन क्षेत्र का अधिकांश भाग वर्तमान बांग्लादेश में चला गया है। तो इसका सही आंसर विकल्प नंबर डी यानी कि, क्या है डी का आंसर, डी में आंसर कि कुशल श्रम तथा जूट उत्पादन क्षेत्र का अधिकांश भाग वर्तमान में बांग्लादेश में चला गया, इसके कारण ही जूट उद्योग का हिरास्य हुआ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए शर्करा बैक्टीरियो की अधिकतम संख्या कहाँ पर है। तो चार विकल्प है आपके सामने, फर्स्ट विकल्प है उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु, बिहार, असम। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो जल्दी से बता दें आप इसका आंसर क्या है। तो शर्करा फैक्ट्रियों लिखा है यहाँ पर, फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर एक यानी कि उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH1, NH2, NH8, NH7। तो सब लोगों को बनना चाहिए इसका आंसर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो सबसे लंबा पूछा गया तो NH7। हाँ बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 पुराना राष्ट्रीय मार्ग जो है, पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। तो चार विकल्प है आपके सामने, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो बताइए, तो यहाँ पर चार विकल्प है आपके सामने, मुगलसराय, खड़गपुर, हावड़ा या गोरखपुर। तो आपके यहाँ पर जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर डी यानी कि गोरखपुर। गोरखपुर बिल्कुल सही, जिन्होंने भी डी बताया है। ये भारत तथा दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, भारत का और दुनिया का, और ये दिनांक 6/10/2013 को रीमॉडलिंग के काम के बाद गोरखपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 की संयुक्त लंबाई 1366.4 मीटर हो गई है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी, सबसे बड़ी है। और इसके साथ ही है यहाँ पर 26 बोगियों वाली 2 ट्रेनों को एक साथ खड़ा किया जा सकता है। गोरखपुर से रोजाना करीब 170 ट्रेनों का आवागमन होता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत है, 25, 25%, 30%, 40% या 50%। तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 है यहाँ पर, 23, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत है। तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि 40%। बिल्कुल सही, 40% जिन्होंने बताया उनका सही आंसर यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर क्या है कि कुल केंद्रीय कर्मचारियों का लगभग 40% भारतीय रेलवे में कार्यरत है। और अगला क्वेश्चन है, क्या है निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा समूह भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के सही नामों को प्रकट करता है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, पटना। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा, चार विकल्प हैं आपके सामने, और आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि क्या है, बी में मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली और चेन्नई। इस प्रकार बी यहाँ पर सही आंसर है। एयर इंडिया भारत की ध्वजवाहक विमान सेवा है, कौन सी है, एयर इंडिया यह भारत की ध्वजवाहक विमान सेवा है। यह भारत सरकार की चलाई हुई 2 विमान सेवाओं में से एक है, और दूसरी कौन सी है, दूसरी है इंडियन एयरलाइंस, जिसका एयर इंडिया में विलय हो चुका है। एयर इंडिया का कार्यवाहक केंद्र मुंबई का छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है। तो
तो कौन सा है जो उड़ीसा के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें और क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएं। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर स्थित है, और आपका यहाँ पर सही आंसर है वह विकल्प नंबर सी यानी कि पारादीप। पारादीप विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। भारत के पूर्वी तट के कृत्रिम गहरे पानी के बंदरगाह उड़ीसा राज्य के जगतसिंहपुर जिले में स्थित है। पारादीप का बंदरगाह पूर्वी लागत किनारे का प्रमुख बंदरगाह है और यह महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। पारादीप पोर्ट की अपनी रेलवे प्रणाली, डंडे हैंडलिंग प्लांट है और राष्ट्रीय राजमार्ग शेष भारतीय सड़क नेटवर्क के साथ बंदरगाह को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह है, कस्बा नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 26 है, तो सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या है, जल्दी से बताएं। जामनगर, ओखा या पोरबंदर या वेरावल। तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर एक यानी कि जामनगर। जामनगर बिल्कुल सही विकल्प नंबर एक जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा। जामनगर गुजरात का एक शहर है। यह अरब सागर से लगा कच्छ की खाड़ी के दक्षिण में स्थित है। जामनगर में आधुनिकता और प्राचीनता का समावेश देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में। तो भील जनजाति है जो, वह आपका यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर डी यानी कि तीनों के समवर्ती क्षेत्रों में। विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। भील मध्य भारत की एक जनजाति है। भील जनजाति के लोग भील भाषा बोलते हैं। भील गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में एक अनुसूचित जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, बेरहूर का शाब्दिक अर्थ क्या है, जंगल का आदमी, प्रकृति प्रेमी आदमी, पवित्र आदमी, आम आदमी। तो चार विकल्प हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, बिरहोर जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ बताना है और इसका शाब्दिक अर्थ है यहाँ पर जंगल का आदमी, यानी कि विकल्प नंबर एक जंगल का आदमी। बिरहोर भारत की एक प्रमुख जनजाति है और मुख्यतः छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में निवास करने वाली बिरहोर जनजाति विशेष जनजातियों में शामिल है। बिरहोर जनजाति के संबंध में ये मानता है कि ये जिस पेड़ को छू देते हैं उस पर कभी बंदर नहीं बैठता। इसकी विशेषता है इस जनजाति की। कौन सी जनजाति की? बिरहोर जनजाति। अगला क्वेश्चन है, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन जीवन के किस कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र हैं? तो क्या होगा इसका सही आंसर कि अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र हैं बायोस्फीयर रिजर्व या सेंचुरी या सामाजिक वन या नेशनल पार्क। तो यहाँ पर आपके सामने चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है और 29 का सही आंसर है आपका यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि विकल्प नंबर एक यहाँ पर सही आंसर होगा। बायोस्फीयर एक विशेष परिस्थिति के तंत्र या वनस्पति तथा जीवों का एक विशेष वातावरण होता है जिसे सुरक्षा और पोषण की आवश्यकता होती है। ये रिजर्व पूरी तरह से व्यवस्थित होते हैं और दुनिया भर में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के संरक्षण के लिए इन रिजर्वों की जो है स्थापना की जाती है। यह रिजर्व वैज्ञानिक और प्राकृतिक रुचि विषयों पर आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है, मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है तो किसके लिए, यह बताना है। चार विकल्प हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर बताना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी लोग जल्दी से आंसर बताएं। मधुमलाई पशु विहार यह प्रसिद्ध है तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका विकल्प नंबर क्या है, एक। विकल्प नंबर एक यहाँ पर सही आंसर है। देखिए, दक्षिण भारत में अपनी तरह का पहला मधुमलाई भी कहते हैं वन्य जीव अभयारण्य केरल कर्नाटक सीमा पर स्थित है। यह 321 वर्ग किलोमीटर में फैले इस अभयारण्य के पास ही बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। इन दोनों उद्यानों को मोयार नदी अलग करती है। मोयार और ऊटी को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग इस उद्यान से गुजरता है। तो इतने ही क्वेश्चन आज के वीडियो में लिए गए थे, 30 क्वेश्चन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो सभी लोगों ने वीडियो को यहाँ पर लाइक तो कर ही दिया होगा। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें।
और जो भी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वह चैनल के ज्वाइन मेंबर भी बन सकते हैं। क्या करना है आपके लिए, ज्वाइन बटन आपके सामने दिख रहा होगा, वहीं पर सब्सक्राइब के बाजू में शामिल हो या ज्वाइन बटन, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वहां पर तीन प्लान होंगे, तो वहां से आपको कोई एक प्लान खरीद सकते हैं। आपके पास तीन प्लान है, वो भी एक है 29 में सिल्वर प्लान, और जो गोल्ड प्लान है यह 59 में है, और डायमंड प्लान है जो 119 रुपए में। तो इस प्रकार आपके पास तीन प्लान दिए गए हैं, तो आप जो भी प्लान खरीदना चाहते हैं वह प्लान आप खरीद सकते हैं और चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और चैनल के ज्वाइन मेंबर भी बन सकते हैं। यहाँ से आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जाएगा ज्वाइन मेंबर के लिए। जो भी ज्वाइन मेंबर बनता है उनका एक ग्रुप बना है अलग से, तो उसको उनको उसमें शामिल किया जाता है और स्टडी मटेरियल आपके लिए दिया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों ने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।